कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल अनंत गुरु साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण स्वर्ग में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाविध प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग गत कल श्रवण कर रहे थे, कृष्ण जब कालिए के सर पर नृत्य किया और सारे अभिमान को तोड़ दिया और कालिए अभी मरने वाला है और उनको पत्नियों ने आकर के भगवान को स्तुति किया, बोले प्रभु हमारे पति को आप छोड़ दो नहीं तो हम सबके सब विधवा हो जाए हैं, अरे बच्चों को कौन पालन करेगा। जब उन्होंने स्तुति स्तर भगवान की स्तुति की, इतने में ही कालिए अभी भगवान कालिए के सर से नीचे उतर गए। जब नीचे उतर गए इतने में कालिए आकर के भगवान को प्रणाम कर रहे। लेकिन जैसे हम लोग प्रणाम करते हैं कैसे प्रणाम करते हैं, इसलिए प्रणाम दो तरह के करते हैं। कहते एक तो पंचांग और एक साष्टांग। पंचांग मतलब एक दो दो प्यार, जैसे हाथ उधार कर करते हैं ना, दो हाथ प्यार हो गया, दो हाथ हो गया और सर हो गया, कितना हो गया, ये पांच अंग हो गया। जैसे हम घुटन करके प्रणाम करते हैं। और दूसरे तरह का प्रणाम होता है साष्टांग। साष्टांग मतलब होता है छह अंगों को मिला करके हैं हम जो प्रणाम करते हैं। इसलिए कहते लेकिन इसने भगवान जब उसकी सर पर नृत्य किया ऐसे उन्हें ठोकर मारे थे, उसके मुंह से खून की उल्टी हुई थी, उसका शरीर एकदम टूट टूट गया था, उसको हिम्मत नहीं हुआ। देखना शरीर में अगर बहुत ज्यादा कोई दर्द हो ना, हम नीचे उतर करके पंचांग करके हांडू गार करके भी हम प्रणाम नहीं कर पाते, क्यों, शरीर में पीड़ा है, शरीर में कष्ट है, इतने कष्ट हो रहा था उसको हिम्मत नहीं था ठाकुर जी को पंचांग में। साष्टांग तो जो सो करके प्रणाम करते उसकी पंचांग में भी प्रणाम करने का उसको हिम्मत नहीं था, इसलिए उन्होंने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके ठाकुर जी मेरे प्रणाम को आप कृपा करके स्वीकार करो, मैं हिम्मत नहीं है आपको सर झुका करके मैं प्रणाम कर सकूं। तब वो कहते हैं बोले प्रभु, बोले कालिया कहते बोले वयम खला सहोत्पत्या तामसा दृघ मानव स्वभाव दुष्ट जनाथ लोकानाम सद असद ग्रह। बोले वयम खला सहोत्पत्या, बोले प्रभु अब हमको कहाँ पर जन्म दिया, कहते ना ठाकुर को इच्छा तो वगैरह की पता भी नहीं होता है, इसलिए हमारी जो जन्म ही भगवान जिसको जैसे जैसे कर्म करता है कर्म के अनुरूप भगवान उसको भी वैसे ठीक जन्म देते हैं। कभी जो सर्प जाति में किसने जन्म दिया है, आप ही ने जन्म दिए हो ना, मेरे अंदर में जो खल स्वभाव देखना सर्प का जो स्वभाव ही है बिना कारण से काटने के लिए दौड़ते हैं, बड़ा खल प्रकृति के साफ का होता है। यदि ये स्वभाव किसने दिया है, ये सर्प जाति में हमें जन्म किसे दिया, आप ही तो सर्प जाति में जन्म दिया है ना, हमारे अंदर में जो खल स्वभाव दिया किसने, आपने दिया ये खल स्वभाव है। इसलिए कहते प्रभु स्वभाव दुष्ट जनाथ, जैसे कोयला होता है ना, कोयला देखना जितना धो काला पड़ जाएगा, जितने साबुन सर्प देकर कोयला को धोते रहो उसे काला पड़ जाएगा, वो काला जाएगा, काला नहीं जाएगा। इसलिए हमारी बंगला में कहावत है कोयला ना धोए गेले स्वभाव ना जाए मले, मतलब जितने कोयला का धो वो कभी मैला जाएगा नहीं। अब जो स्वभाव है ना जो कुछ कर लो भैया स्वभाव छोड़ना बड़ा कठिन है। बोले स्वभाव दुष्ट जनाथ,
जिसके अंदर में जो स्वभाव है, ये स्वभाव को कोई छोड़ नहीं सकते। समय आने पर ना है वो अपने आप, वो स्वभाव अपने आप प्रकट हो जाता है। इसलिए स्वभाव दुस्तज नाता लुकाना सत असत ग्रह, इसलिए प्रभु ये स्वभाव को कोई छोड़ नहीं सकता है। अब विशेष करके मैं जैसे सर्प जात में, बूढ़ो जात में जन्म हुआ, जब कोई बड़े बड़े विद्वान लोग भी, पंडित लोग भी, जितने बड़े शास्त्र विद्वान क्यों नहीं पढ़ लो, शास्त्र क्यों नहीं पढ़ो, समय आने पर ना स्वभाव अपने आप प्रकट हो जाता। स्वभाव अपने आप प्रकट, उसको रोक नहीं सकते हो, हैं? स्वभाव को रोक नहीं सकते हो। देखिए छोटी सी कहानी सुनो, बोले एक समय क्या हुआ, जो सियाल है ना, हैं? जो सियाल था वो जंगल में घूम रहा था, घूमते घूमते देखना धोबी लोग पहले क्या करते थे, हैं? एक कुंड टब में जैसे नीला रंग को, उसमें नीला रंग करके जितने नील, और कपड़े को धो धा कर सफेद पकड़ के उसमें डुबा करके नील बनाते। एक दिन वो जो जो सियाल था वो घूमते घामते कैसे गिर पड़ा कुंड में, है कुंड से निकल जो निकला ना पूरा शरीर नील, एकदम नीला शरीर। जब नीला शरीर जब निकला, सब लोग देख करके बोले भैया हमने तो कभी ऐसे जानवर देखा नहीं, कभी तक नया जानवर ये है, ये तो नया जानवर है। और उसने जब देखा मेरा शरीर नीला हो गया ना, उसने कहा अभी मैं जंगल का राजा हूँ, हैं? ये जंगल का मैं राजा हूँ। और जितने शेर थे, बाघ थे, बोले ये तो नया प्राणी आया है, सबके सब उसको प्रणाम करने लग गए, उसको भेंट देने लग गए। जब भेंट देने लग गए, ठीक देखना शाम होते जो सियाल है ना, वो आवाज करते हैं, हुक्का अफवा हुक्का, ऐसी से आवाज सियाल करते हैं। इतने में जो सियाल लोग दिखने थे जंगल में, जब आवाज करने लगा, उसने कोशिश किया बंद करने के लिए, लेकिन रोक नहीं पाया, क्योंकि स्वभाव है ना, उसको तो बोलना स्वभाव है। जब सब बोलने लग गया तो भी जोर से बोलना लग गया। इतने में जितने शेर बाघ थे, अरे इतने सियाल है हमारे खाना है, बस झपटे बस उसको खा ले। इसलिए कहते जो स्वभाव है ना, और समय आने पर देखना वो स्वभाव अपने आप वो स्वभाव प्रकट हो जाएगा। कहते ये जो स्वभाव को बड़े बड़े विद्वान लोग भी कहते भैया ये स्वभाव को नहीं छोड़ सकते, कहाँ मैंने सर्प जाति में जन्म लिया प्रभु, कहाँ मैं ये स्वभाव को मैं छोड़ सकता हूँ। बोले तो या सृष्टमितम विश्वम धातर गुण विसर्जनम, कभी ये दुनिया को सृष्टि किसने किया, भगवान ने किया है। कहते सात जाति किसने दिया, बोले आपने दिया, सप्त का अपना है। कहते मेरे मुंह के अंदर में ये जहर किसने दिया, बोले आपने दिया। हम कहते ना प्रभु तुमने जो दिया तेरे चीज को हम तेरे को अर्पण करते, जब तुमने ये सब कुछ दिया है, तुम्हारे दिया हुआ, फिर तुम्हारा दिया हुआ वस्तु तो मैं तुमको दूंगा ना, इसमें हमारी क्या दोष है। सर पर जन्म भी तुमने दिया, बीस भी दिया मेरे मुंह में, तो जो दिया तेरे को, तेरे वस्तु तेरे को अर्पण दिया, इसमें दोष क्या है, हैं? इसलिए कहते नाना स्वभाव भी हो जो जो विजास जाकृति। इसलिए कहते ये गुण दोष सृष्टि, कहते बीज ओज बीज आश्रय, ये सब कुछ आकृति युक्त, ये सबके सब सृष्टि आपने किया है प्रभु, ये स्वभाव हम कैसे छोड़ सकता हूँ। जब उन्होंने भगवान को उन्होंने स्तुति की, इतने में भगवान ने कहा देखो कालिय अभी तुम यहाँ मत रहा, क्योंकि अभी जो वृंदावन था मेरा लीला भूमि बनेगा, अभी मैं अपना ग्वाल बाल सखाओं को लेकर मैं लीला यहाँ पर करूँगा। अगर यहाँ पर पानी इतने जहरीला होगा तो जब मेरे सखा और गया आए केवल पानी को स्पर्श करते ही वही घर से उधर दिख पड़े, अभी तो मेरी लीला भूली वृंदावन बनेगा, इसलिए यहाँ पर मत रहा करो, अभी तुम जहाँ से आया था ना वहीं चले जाओ। बोले कहाँ से आया था, बोलो कहाँ से आए थे, बोले ये रमण के द्वीप फीजी, हैं फीजी, अभी जिसको फीजी कहते हैं, कि तुमने ये रमण के द्वीप से आया था, अभी तुम अब वो रमण के द्वीप में अभी तुम चले जाओ। बोले प्रभु वहाँ नहीं जा सकता। बोले क्यों, बोले वहाँ पर गर्व है ना, गर्व से लड़ाई हुआ तभी तो मैंने वहाँ से आ गया था, उसकी डर से आ गया, फिर वहाँ जाऊँगा भी तो गर्व खा जाएगा, छोड़ेगा नहीं, अभी मेरे शत्रु है। भगवान बोले अभी तेरे को नहीं खाया, क्योंकि मैंने तुम्हारी सर के ऊपर जब नृत्य किया ना, तुम्हारी सर के ऊपर मेरा चरण आ गया, चरण चिन्ह आ गया, जो चरण चिन्ह आ गया अभी तू भी मेरा भक्त हो, गर्व भी मेरा भक्त, फिर क्या हो गए, तुम गुरु भाई हो, आपस आपस में तुम गुरु भाई हो गए हो, इसलिए गुरु भाई बनने का नाते अभी तुम्हें खाएगा नहीं मारेगा नहीं, अभी तुम्हारे साथ में मित्रता हो जाएगी।
इसलिए तुम रमण के द्वीप चले जाओ। तब तो भगवान जब ये बोले, इतने में भगवान का आदेश को पा करके और रमण के द्वीप जाने से पहले बोले, हे प्रभु आप एक काम करियो। बोले क्या है? अब जैसे ये भगवान क्या करते हैं, गौर भगवान का बाहर नहीं कहीं भी जाते हैं ठाकुर जी, गौरव का पीठ के ऊपर बैठ करके ठाकुर जी जाते हैं। कालिया कहता है, बोले प्रभु कहते एक निमिष में, एक निमिष किसको कहते हैं, आँख आप पलक झपकी है ना उसका नेमी, इसको कहते हैं नेमी है, नमिषारण्य नाम हुआ है। नमिषारण्य क्यों नाम पड़ा? जहाँ पर ब्रह्मा जी अपना मन से चक्र को फेंक करके मारे, कहाँ पर गिरा था? नमिषारण्य में। नमिषारण्य नाम क्यों पड़ा? कहते जहाँ पर एक निमिष समय भी नष्ट नहीं होता, निमिष मतलब आपका पल्लव पर निमिष करते, आपका पलक झपकी है ना, एक निमिष हो गया मतलब पता भी नहीं चलता है, हैं? कहते कहते जो एक निमिष है उसको कहते हैं। इसलिए कहते प्रभु मैं एक निमिष में, हैं? कहते मैं एक निमिष में मैंने सब कहते सप्तों कोटि जोजन अनायास में जा सकता हूँ। देखो कितने कालिया का क्या गति, कहते एक निमिष में सप्तों करोड़ जोजन तक मैं गति कर सकता हूँ, इतने मेरी गति की, इतना मेरी गति तेज है। इसलिए जैसे आप कभी कभी गरुड़ जी को पीठ ऊपर बैठ करके जाते हो, कभी कभी प्रभु मेरे को भी कृपा करो, कभी मेरे को भी स्मरण कर लो, मैं भी आपको अपना पीठ में लेकर के आप भी वहन करेंगे। इसलिए भगवान ने क्या किया, कालिया को तो एक स्वरूप में उनको छोड़ दिया रमण के द्वीप में, और ये दूसरे स्वरूप में गोलोक वृंदावन गए। गोलोक वृंदावन में जब राधा कृष्ण अपना गोपियों को साथ में जैसे नाव में जैसे जल विहार करते हैं, जब कभी कभी जरूरत है ना, उन्होंने कालिया को बुला रहे थे, और कालिया को सर पर ठाकुर जी बैठते हैं, अपना गोप गोपियों को लेकर के बैठते हैं, बैठ करके ठाकुर जी जल विहार करते हैं, ठाकुर जी जल विहार करते हैं जमुना नदी में। और यहाँ पर कहते हैं कभी कभी, कहते किसी किसी पुराण में बताया है, किसी किसी पुराण में सुनने को मिलता है, बोले जिस समय कंस कृष्ण को जैसे बुलाया है, ऐसे बुलाया, कहते कभी कभी कृष्ण ये कालियों के सर पर बैठे करके भी, कभी ये मथुरा में वृंदावन से, कभी ये मथुरा भी कृष्ण गए थे, ये भी किसी किसी पुराण में सुनने को मिलता है। इसलिए जब उन्होंने कालिया को, उन्होंने क्या किया, भगवान ने कहा, कालिया ने कहा प्रभु मैंने आपका मर्म स्थान को दंशन किया है। मर्म स्थान जहाँ कोमल अंग ठाकुर जी का जैसे गले है, ठाकुर का जैसे पेट है, जहाँ अत्यंत कोमल अंगों को मैंने दंशन किया है। दंशन किया तो मेरे दांत, काली पर भयंकर था, उनका दांत से हैं, उनको दांत से उन्होंने बोले प्रभु आपको कितने, आपका कोमल शरीर कितने कष्ट हुआ होगा, मैं चाहता हूँ आपको अपना हाथों से चंदन अगुर कर्पूर से आपका शरीर को हम लेपन करना चाहते हैं, लेपन करके आपको ठंडा दिला करके आपको मैं थोड़ी सेवा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कालिया ने क्या किया, जो टापू मतलब दीप था वहां पर आसन दे करके ठाकुर को बैठाया, शरीर में कर्पूर अंगन अगुर चंदन के उन्होंने लेप लगाया, और एक मणि दिया जिसका नाम कहते कौस्तुभ मणि है। इसलिए शास्त्र ने बताया कहते भगवान को पहचान की कौश कैसे, ये ठाकुर जी है, नारायण है, कृष्ण व राम है, उनको पहचाने वो कैसे, मतलब कौस्तुभ है ना भगवतम अद्राक्षी, मतलब भगवान के शरीर में ये कौस्तुभ मणि ठाकुर जी के शरीर में रहता है, इससे ठाकुर जी को तुम पहचान सकते हो। लेकिन कहते अभी तो कृष्ण का शरीर में वो कौस्तुभ मणि था नहीं, कहते फिर कौस्तुभ मणि कहाँ गया, बोले भगवान जब जन्म हुए कहते कौस्तुभ मणि तो था ठाकुर का शरीर में, लेकिन अगर ये कौस्तुभ के द्वारा भगवान को पहचाना जा सकता है, बोले जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्रती, कहते कौस्तुभ मणि के द्वारा तो भगवान को जाना जा सकता है, भगवान ने देखा अगर मेरे शरीर में कौस्तुभ मणि रहेगा अभी तो मैं वृंदावन में लीला करूंगा ना, लेकिन वृंदावन का जो लीला है मधुर लीला है, वृंदावन का लीला ये मधुर लीला है, अगर किसको पता चल जाएगा भगवान ये है मधुर लीला नहीं होगा। इसलिए भगवान की गले में जो कौस्तुभ मणि था वो जाकर कालिया का जो कोषागार जिसमें हीरे जवाहरात बड़े रत्न था कालिया के पास में, भगवत इच्छा से वो मणि उनकी कोषागार में चला गया था। फिर कालिया ने उसको कोई एक विशेष मणि मान करके उन्होंने कृष्ण को पुनः उन्होंने
प्रदान करते। फिर वो मणि ताली कृष्ण को पास में वो मणि आ गया। जब आ गया अभी ठाकुर जी को अभी विदाई देंगे, अभी सारे ब्रजवासी तो जब ये काली रथ किनारे में तड़फड़ा रहे कृष्ण विरह कृष्ण कब आएंगे। अभी दीप में कृष्ण को बैठा करके उन्होंने सुंदर श्रृंगार किया। अगर कृष्ण अगर पानी में अगर आएंगे तैरते हुए आएंगे, तैरते हुए आएंगे तो ठाकुर को जो सुंदर श्रृंगार किया तैरने पर क्या होगा, सारे श्रृंगार बिगड़ जाएगा। इतने में एक सर्प ने क्या किया, पानी के अंदर में अपना सर को डुबा दिया। कृष्ण उसके सर पर खड़े हो गए और उसने उस सर्प ने पानी के अंदर में हाँ कृष्ण सर्प पानी के अंदर में कृष्ण उसके सर पर खड़े हो गए। वो पानी को अंदर अंदर में अंदर अंदर में आकर के कृष्ण को उन्होंने क्या किया, किनारा में कृष्ण को छोड़ दिया। जब कृष्ण को छोड़ दिया ब्रजवासियों ने तो कृष्ण को पा करके जैसे मानव शरीर में दो बार इनका शरीर में प्राण आ गया ब्रजवासियों को है। इसलिए ब्रजवासियों ने परम आनंद को प्राप्त किया, परम खुशी हुए और उन्होंने कृष्ण को लेकर के उन्होंने कहाँ पर आए, वापस उन्होंने वृंदावन में उन्होंने वापस आए। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जब दिन पर तब दिन पर जय व्यक्ति हाँ कहते अगर ये जो कथा ये जो कालिया दमन की कथा है अगर इसको कोई श्रवण करेगा, इसको श्रवण करने का फल क्या है। जैसे हम लोगों ने कृष्ण कालिया दमन की कथा सुनी, कहते अगर कथा अगर इसको कोई श्रवण करेगा तो कहते हाँ श्रवण करेगा तो क्या होगा, कहते भगवान जो कालियों को दंड प्रदान किया उसको भगवान उसको कृपा की भगवान को उन्होंने स्तुति की, अगर इसको कोई श्रवण करेगा तो कहते हैं ये क्या होगा। और ये कथा को जो काली का जो पानी है जो हृदय का पानी भगवान को पानी को अपना अमृतमय दृष्टि से पानी को एकदम अमृत बना दिया, बड़ा मीठा बना दिया। कहते अगर उसमें कोई तर्पण करेगा उसी काली हृदय पानी में कोई तर्पण करेगा पितृपुरुषों को उद्देश्य में कोई तर्पण करता है, कहते अगर उसमें पूजा करेगा तो क्या होगा, कहते हैं जितने सारे पापों से वो मुक्त हो जाएगा, जिनके लिए वो पिंड प्रदान करेगा उनको भी समस्त पाप से, वो पानी में जो कुल पिंड प्रदान करेगा समस्त पाप से जिसको उद्देश्य में करोगे उसको भी समस्त पाप से वो मुक्त हो जाएगा। और कहते क्या है मुक्त अभी काली एकांतक, इसलिए कहते ये कथा को जब तक चंद्र सूर्य रहेगा क्या होगा, कहते हैं जे व्यक्ति उभय संध्या कुमार प्रति आमार अनुशासन स्मरण करेंगे, अगर कोई व्यक्ति ठीक शाम का समय में ये कथा को जो सुनेगा कैसे मैंने कालियों के ऊपर मैंने कृपा की है जो श्रवण करेगा उसको क्या मिलेगा, उसको जगत में कोई भय नहीं रहेगा और मेरी चरण में उनकी भक्ति और हमको प्रेम की प्राप्ति होगी। बोले श्री कालिया दमन भगवान की निताई गौर प्रमाण दे, हरे कृष्ण बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे।